तेलंगाना चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए चर्चा प्रदेश के विकास केसीआर के कामकाज से दूर मंदिर के दर्शन पर पहुंच गई है, और इसको पहुंचाने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच गए तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए। वैसे दर्शन करना, पूजा पाठ करना, इसमें ना तो किसी को कोई दिक्कत है और ना ही होनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी की आध्यात्मिकता चुनाव के दौरान जागृत होने पर हर बार सवाल होता है, संदेह होता है, और क्या ये वोटों के लिए है या श्रद्धा के लिए, ये सवाल एक बार फिर होने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके लिए मिर्जा शाकिर अली बेग। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पीएम के साथ सिक्योरिटी से ज्यादा कैमरे मंदिर में नजर आते हैं, लगता है कि दर्शन नहीं किसी फिल्म का सीन है। तेलंगाना के त्रुमाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री के पीछे घूमते दौड़ते कैमरामैन वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से ही दौड़ रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों ने सवाल भी किए, एक के बाद एक सवाल आने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि आस्था आपकी निजी चीज है, इसका दिखावा क्यों हो रहा है? प्रार्थना पूजा के लिए कैमरे क्यों जरूरी हैं? क्या पूजा भी प्रचार है आखिर क्यों? वैसे तो पीएम मोदी का कैमरा प्रेम जग जाहिर है, कचरा उठाने के लिए भी कैमरा एंगल जरूरी होता है, बिना कैमरे के तो पीएम मोदी दो कदम चलते नहीं है, और कोई कैमरे के सामने आ जाए तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। विदेश यात्रा हो या देश में कोई कार्यक्रम, पीएम मोदी के हर एंगल पर कैमरामैन ना हो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री की हर छवि को कैमरे में कैद करने का पूरा इंतजाम होता है, यहां तक कि पीएम के हिमालय जाकर गुफा में ध्यान करने की तस्वीरें निकालने के लिए कैमरामैन गुफा में पीएम से पहले पहुंच जाते हैं। कैमरामैन की फौज के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ऐसे में लोगों का सवाल है कि क्या यह आस्था धोखा है, दिखावा है? सोशल मीडिया पर लोगों का यह भी कहना है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पीएम मोदी का कैमरामैन होना। सोशल मीडिया पर ही लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मंदिर जाना क्या एक दिखावा है? उनकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है क्या? वरना वो इतने सारे कैमरामैन लेकर क्यों जाएंगे? मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी को कारपेट पर चलता देखकर लोगों के सवाल हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या मंदिर की मिट्टी से पैर लग जाना प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं है? मंदिर में रेड कारपेट की जरूरत क्या है? क्या ये मंदिर की पवित्र मिट्टी का अपमान नहीं है? बहरहाल चुनाव है और चुनाव में तमाम तस्वीरें बोलती हैं, और हर तस्वीर के जरिए वोट मिल जाए ये जरूरी भी नहीं, लेकिन कोशिश तो हर राजनेता की होती है, चाहे ध्यान से हो या श्रद्धा से, पूजा से हो या पाठ से हो या भाषण से, वोट आना बेहद जरूरी है।